भाजपा नेता के दवा व्यापारी का मामला। मामले में विधानसभा अध्यक्ष और सांसद आए आमने सामने। सतीश महाना गुट के लोग आरोपी भाजपा नेता का कर रहे बचाव। सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा, आरोपी को पार्टी से निकलने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को लिखेंगे पत्र। बीजेपी में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, बीजेपी सत्य के साथ है। देखिए, मैंने पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि जो कार्रवाई सत्य के आधार पे हो, कोई दबाव में आने की जरूरत नहीं है। अगर अपराधी है तो अपराधी है, उसने गलत किया है तो उसकी सजा हो। और इसलिए मैंने उनके बधाई भी दी है क्योंकि उन्होंने 25,000 का इनाम घोषित किया। बीजेपी के कल 500 कार्यकर्ताओं ने घेराव किया और आरोपी के पक्ष में दबाव बनाने का काम किया, ऐसे में क्या करेंगे? मैं समझता हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई अन्याय का साथ नहीं देता। अच्छा, ये बताइए कि वह पार्टी से निष्कासन के लिए जो आरोपी है उसके लिए आप कोई पत्र लिख रहे हैं? बिल्कुल लिख रहा हूँ। क्या इसको पत्र क्या लिख रहा हूँ? प्रदेश अध्यक्ष जो जिनको अधिकार है उनको लिख रहे हैं कि जो वो दोषी है और क्योंकि उसने जघन्य अपराध किया, उसकी आंख फूट गई, एक आंख चली गई, दूसरे में 20% रह गई, 80% वो भी चली गई, तो ये तो हत्या से कम नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो साफ सुथरी पार्टी है ना, तो विधानसभा अध्यक्ष के प्रतिनिधि ही जाकर के पैरवी कर रहे हैं। हम उस विषय में कोई बात नहीं कर, उस विषय में मेरा कोई मत नहीं है। बीजेपी दो फाड़ दिख रही है पूरे मामले में? नहीं, कोई दो फाड़ नहीं, कोई दो फाड़ नहीं है, कोई गलत आरोप मत लगाइए। देखिए वो चाहे जो करें, लेकिन हम सत्य के साथ, ठीक, और पार्टी भी सत्य के साथ रहेगी, सरकार भी सत्य के साथ रहेगी। पार्टी के जो लोग सत्य के साथ नहीं होंगे, समय आज नहीं तो कल समझ जाएंगे।